मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कल या परसों, किसी वहाबी की साजिश होगी। वो ये कह रहा था कि इमाम हुसैन जब इतने पावरफुल हैं तो वो शहीद कैसे हो गए, करबला में उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। तफसीली वाकयात तो हमारे अइम्मा किराम ने आपको बताए होंगे जुम्मों की तकरीरों में, क्योंकि जुम्मों की तकरीरों में अल्हम्दुलिल्लाह ये हजरात पूरी बात शुरू से आखिर तक सब बयान करते हैं। पौने 1400 साल पहले करबला के तप्त सहरा में रेगदारों पर मटर बूनती रेत पर चिलचिलाती धूप में मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बदमे हिदायत रहमत दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस शहजादे, उनके नखले तमन्ना जाने जिगर, उनके दिल के चैन प्यारे इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो क़यामत तक भुलाई नहीं जा सकती। ये रियलिटी है, ये एक सच्चाई है। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, रखिए थोड़ी देर इधर ही, ताकि 30-35 मिनट का वक्त इधर उधर ना हो जाए। सैयदना इमाम आली मकाम प्यारे हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफ़ा जाने रहमत का एक अहम हिस्सा हैं, आपका पार्ट है। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया की बागडोर इक्तदार की अता फरमाई, आपको पूरी दुनिया का मालिक बना के भेजा गया। सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ज़मीन का मालिक, आसमान का मालिक, सूरज का मालिक, चांद का मालिक, सारे संसार सारी कायनात का मालिक बना के अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हुजूर को दुनिया के पर्दे पे भेजा। क्या बात है, वो मुख्तारे कायनात हैं, सारी दुनिया का पावर रखते हैं, उन्हीं के शहजादे सैयदना इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन आजम हैं, और सैयदना हुसैन आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद बुजुर्गवार सैयदना असदुल्लाहिल गालिब मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार फातह खैबर सैयदना मौला अली करमल्लाह ताला वजहुल करीम हैं, जिनकी अजमतों का ये हाल है कि अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल ने मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की असर की नमाज के लिए टाइम का सिस्टम ही ब्लॉक कर दिया था और सूरज को वापस बुला लिया था। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो, ये बहुत बड़ी घटना थी जब संसार में टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया गया था। ये प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोजज़ा है, तो मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए ऐसा हुआ। कितनी अजमत वाले हैं सैयदना हुसैन आदम के वालिद बुजुर्गवार। सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लम की शहजादी और हुसैन आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की प्यारी अम्मी जान, जिनके बारे में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। एक जगह फरमाते हैं मेरे पैगम्बर इन्न फातिमता हौराओ आदमिया, बिला शुबा फातिमा इंसानी दुनिया की हूर है,
नापाकी से दूर है। सुभान अल्लाह, दुनिया की इकलौती खातून है जो पांचों टाइम की नमाज 300 दिन लगातार पढ़ती है। दुनिया की कोई औरत ऐसी है जो 300 दिन लगातार नमाज पढ़ ले, मगर ये सैयदा है। सुभान अल्लाह, ये इंसानी दुनिया की हूर है। माँ ऐसी, अब्बा ऐसे, नाना ऐसे। करबला के मैदान में सैयदना हुसैन आदम रजी अल्लाह ताला अन्हु पर जुल्म जबर और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ दिए गए। 6 महीने के अली असगर को, 18 साल अली अकबर को, सैयदना कासिम सैयदना इमाम कासिम को, मौला सैयदना अब्बास अलमबरदार को, और सैयदना हुसैन आदम रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर बार को करबला के मैदान में यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमराव बैदुल्ला बिन जियाद जैसे कुत्तों ने माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह जुल्म जफा की तैख के नीचे रखा। सैयदना हुसैन आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के गले पे छुरी चलाई। माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह। हज़रात मोहतरम, पूछने का मकसद ये हुआ उस पूछने वाले का कि मालिकों का बेटा उसके साथ ये कैसे हुआ। 1 मिनट के अंदर सीधा जवाब सिंपल स्टाइल में आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इजाजत है बावादे बुलंद कह दें सुभान अल्लाह, और दूर से सुभान अल्लाह। कैसे हुआ? दरअसल मैं आपको बताऊं कि अल्लाह के यहाँ का कानून जरा अलग है, हमारी दुनिया के सिस्टमों से अल्लाह के यहाँ का सिस्टम कुछ अलग है। मिसाल के तौर पे एक मिसाल दूंगा और मिसाल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ दुनिया में स्कूल, मदरसे और मकतब जिनमें हम और आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इन मकतबों का उसूल ऐसा है कि जिसके सबक याद हो गया उसकी छुट्टी, और जिसके सबक याद नहीं हुआ उस बच्चे को रोक लिया, मुर्गा बना दिया, मुर्गा बन जा, ईंटें रखवा दी उसकी पीठ पे, धूप में खड़ा हो जा, तेरे सबक याद नहीं हुआ है। जिनके सबक याद हो गया उनकी छुट्टी हो गई कि बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, तेरी छुट्टी हो गई भैया, तूने सबक याद करके सुना दिया। मगर अल्लाह के यहाँ का सिस्टम कुछ अलग है। एक शायर ने इस पूरे जवाब को एक शेर में कैच किया है, कैप्चर किया है, जमा किया है। वो शेर आपको सुना दूं, इंशाल्लाह आप सब समझ जाओगे। फरमाते हैं वो साहब के मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। बाबा क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो कह दो नहीं आई समझ में तुम्हारी? यानी अल्लाह के यहाँ का कानून ये है कि जनाबे वाला जिसके सबक याद हो गया उसकी छुट्टी नहीं होती, और जिसके सबक याद नहीं हुआ उसकी छुट्टी हो गई जनाबे वाला। अब मैं फॉर एग्जांपल बताऊँ, 30 मिनट गुजर जाएंगे, दो बातें दो तीन नाम ले लेता हूँ जनाब वाला, आप समझ जाओगे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के सबक याद हो गया, उनकी छुट्टी नहीं हुई। नमरूद की छुट्टी हो गई, इस कमीने के सबक याद ही नहीं हुआ इसलिए जनाब वाला इसकी छुट्टी हो गई। और वो कुत्ता क्या नाम है उसका, फिरौन जिसे कहते थे जनाबे वाला, उसकी छुट्टी हो गई कि तेरे सबक याद नहीं हो रहा। तू कुत्ता है, तू जनाब तू रिजेक्टेड है, तू 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 मर्दूद है, निकल जा यहाँ से जनाब, उसकी छुट्टी हो गई। और सैयदना मूसा कलीमुल्लाह की छुट्टी नहीं हुई जनाबे वाला, यहाँ मदीने पाक में मेरे मुस्तफ़ा प्यारे ने सबक याद किया, उनकी छुट्टी नहीं हुई जनाब, आखिर तक छुट्टी नहीं हुई। अबू जहल की छुट्टी हो गई, अबू लहब की छुट्टी हो गई, उतबा की छुट्टी हो गई, और वलीद इब्न मुग़ीरा की छुट्टी हो गई जनाब वाला, इन ज़ालिमों बादशाहों गुंडों दरिंदों जंगली फसादियों की छुट्टियां हो गई, मगर मुस्तफा की छुट्टी नहीं हुई। यही जनाबे वाला इसी तरीके से करबला में मेरे हुसैन आदम की छुट्टी नहीं हुई, यजीद की छुट्टी। क्या बात है, कहते क्यों नहीं जोर से यार, बोलते रहो।
तुम समझ गए ना, इनकी छुट्टी होने का मतलब ये है कि तुम तो चले जाओ। उनकी रस्सियों को ढीला कर दिया मेरे अल्लाह ने। एक वक्त आएगा पकड़ेगा, और ऐसा पकड़ेगा कि उसकी पकड़ से कोई बचा नहीं पाएगा जनाब वाला। और पकड़ लिया अल्लाह ने इन जालिमों को, पकड़ लिया इन गुंडों को, पकड़ लिया ऐसा पकड़ा कि जनाबे वाला कोई बचा ना सका। और जनाबे वाला सैयदना हुसैन आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु इम्तिहान देते रहे, ये सबक याद करते रहे इनका इम्तिहान, और तो जनाबे वाला इम्तिहान में इम्तिहान। यही हाल है नेक बंदों का। हफीज जालंधरी लिखते हैं कहते हैं मोहब्बत में ये क्या असरार होते हैं, खुदा जाने मोहब्बत में ये क्या असरार होते हैं कि जो सजदे में रहते हैं वो ज़ेब-ए-दार होते हैं। हज़रात मोहतरम, ये इश्क की दुनिया ज़रा अलग ही है, ये मोहब्बत की दुनिया ज़रा अलग ही है। जो अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करेगा, जो अल्लाह से ज़्यादा इश्क रखेगा, अल्लाह ताला उसकी आजमाइश यूँ ही बढ़ाता चला जाएगा। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के दूसरे पारे में, औऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूई वनक्सिम मिनल अमवाल वलअन्फुसि वस्समरात वबशिरिस साबिरीन अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इरशाद फरमाता है, हम ईमान वालों को, अपने आशिकों को, अपने मुखलिस बंदों को, अपने मुखलिस बंदों को उन्हें ज़रूर आजमाएंगे, डर दे के आजमाएंगे, भूख दे के आजमाएंगे, माल कम करके आजमाएंगे, तिजारत में कमी करके आजमाएंगे, उनकी जानों में कमी करके आजमाएंगे, उनकी खेती बाड़ियों में कमी करके आजमाएंगे, उनके घर बार में कमी करके आजमाएंगे। हम उन्हें आजमाइशों में डालेंगे, और जो आजमाइशों में खरे उतर जाएंगे, और वो ये कह देंगे जब भी कोई मुसीबत कोई विपदा उनके पास आई और वो ये कह बैठे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के लिए और अल्लाह ही की तरफ पलट जाएंगे। जिन्होंने सबर कर लिया, जिन्होंने हमारा शुक्र अदा कर दिया, अल्लाह फरमाता फिर हमारी खास रहमतें उनके ऊपर होंगी। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, अल्लाह की खास रहमतों के साए तले होंगे वो लोग, और अल्लाह की तरफ से बरकतें उतरेंगी उन लोगों पर, और अल्लाह की खास रहमतों से उन्हें हिस्सा मिलेगा, और वही जनाबे वाला हिदायत याफ्ता होंगे। हजरात जो सबर कर लें, जो शुक्र कर लें, अल्लाह ताला का उन पे इनाम होता है, और खुदा की कसम इनाम हुआ इन पे। तुम देखते नहीं हजरात मोहतरम बर्बाद हो गए वो नाफरमान बाकी अल्लाह के, सरकश अल्लाह के, ताकि अल्लाह के, मारिद अल्लाह के बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। इनाम अगर है तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह पर है, इनाम अगर है तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पर है, इनाम अगर है अल्लाह की तरफ से तो जनाबे वाला मदीने वाले मुस्तफा पर है, और इनाम अगर किसी पे है तो करबला वाले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चुप जा, थोड़ी देर बोलना है मुझे, बोलने दे। ये बेचारा जो है ये मौलवी नहीं है, कहीं तुम इसे मौलवी समझो। ये तो जलसों में आता है, नारा लगाता है, और इसी नारे से इसके घर का चूल्हा जल जाता है, बात समझ रहे हैं। लेकिन वो होलिया मौलवी तो इसकी हरकतें देख देख के तुम ये मत समझ लो कि मौलवी ऐसे ही होते हैं क्या। तवज्जो है आपकी, माशाल्लाह। बैठ जाओ। एक बात तो ये हो गई कि जनाबे वाले ये सिर्फ इम्तिहान था। हजरत मोहतरम, हालांकि जालिम वहाबी तो यहाँ तक कहते हैं, वो कहते हैं दिस वॉर वाज नॉट, डॉक्टर जाकिर नायक के ये अल्फाज हैं, कहता है दिस वॉर वाज नॉट बट ओनली अ वॉर बिटवीन टू प्रिंसेस टू कैप्चर द थ्रोन। वो कहता है ये जंग दो शहजादों की लड़ाई थी, ये लड़ाई दो शहजादों की लड़ाई थी, और मकसद कुर्सी हत्याना था, मगर इमरान हनफी गुलाम है अपने हुसैन का। अर्ज करना चाहता है
जनकपुर की इस बाबकार और बरकत वाली जमीन पर के हुसैन आदम करबला के मैदान में कुर्सी के लिए तशरीफ नहीं लाए थे। जमाने की लाखों और हजारों कुर्सियां मेरे हुसैन के लिए हैं, पूरी दुनिया का इख्तदार मेरे हुसैन के लिए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सत्ता हुसैन की है, इख्तदार हुसैन का है, जमाना हुसैन का है, ये जमीन हुसैन की है, ये आसमान हुसैन का है। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मेरा हसन और मेरा हुसैन जन्नती नौजवान। कल भी सरदार थे वो आज भी सरदार हैं, करबला से पहले भी सरदार थे, करबला के बाद भी सरदार हैं, करबला से पहले भी इमाम थे, करबला के बाद भी इमाम हैं, करबला से पहले भी राजा थे, करबला के बाद भी राजा हैं, करबला से पहले भी मेरे हुसैन का सर ऊंचा था और अल्लाह ने करबला के बाद भी मेरे हुसैन। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सर ऊंचा है जनाबे वाला, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, खास रहमतें बरसी हैं मेरे हुसैन पर और उन रहमतों में से एक रहमत आपने भी देखी। सब मौलाना सही मौलाना हाशमी साहब जनाबे वाला जो हमारे मुखलिस दोस्तों में हैं, उनकी तकरीर शुरू होती है कि इमाम दैनुल आबिदीन की नस्ल दुनिया के हर शहर में है। जानते हो लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? क्यों है उनकी नस्ल हर शहर में और क्यों मिट गया यजीद और यजीद खत्म हो गया? क्यों रहमतें रूठी हैं जनाबे वाला? मुझे बताओ तो कभी सोचा है आपने? हजरत मैंने तो ये हिसाब लगाया कि अल्लाह हलाल को बढ़ाता हराम को मिटाता है। बाबा क्या जुमले, क्या जुमले, बहुत अच्छे, अच्छा नुक्ता है ना। तर्जुमानी तो अब 40 मिनट मिले क्या करे आदमी? एक घंटा नहीं जी जनाब, वो बहुत बड़े आलिम खतीब मेरे भी मुझसे भी बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लामा गुलाम रसूल बलिया भी, हम सब इसी एक ही लाइन के हैं और ये एक ही बेल के खरबूजे हैं सारे के सारे। जनाब वाला हम उनके हैं, जाते हैं तो वो हमारा एहतराम करते हैं, अब वो हमारे यहाँ हैं तो हम एहतराम करेंगे, रेस्पेक्ट देंगे। तुम कैसे कह दोगे कि एक घंटा? हमारा काम आने का था, तुम 10 मिनट बुलवा लो। हैदराबाद से आए थे, तवज्जो है कि नफीस का जलसा, आप नफीस करते हैं, बहुत मोहब्बत नफीस के जितने साथ हैं सब मोहब्बत। हमने कहा भाई तुम्हारी तुम्हारी इस बात को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। आ गए देखो हजरत क़िबला कौन तशरीफ लाए। अल्लाह गुलाम रसूल बलिया नारे तकबीर, माइक की आवाज खोलिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब सकाफी, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब सकाफी। अभी हजरत अल्लामा बलियावी साहब थोड़ी देर में आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आ जाइए, नारे गौसियत, आ जाइए, मसलके आला हजरत, ये टाइम काट लूंगा भाई। सैयद मुकीमुर रहमान साहब सकाफी, उलमाए अहले सुन्नत माशाल्लाह, और साथ में मदरसा अहले सुन्नत बदलूम जसपुर का पूरा स्टाफ है, मौलाना नूरुद्दीन मंजर साहब जो शायद हैसियत से हैं वो भी हैं और दीगर उलमाए किराम भी हैं, सबका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आप तशरीफ रखें, बैठ जाएं। तशरीफ रखें माशाल्लाह। देखिए और बाहर बाहर में चार चांद लगे और माशाल्लाह ये हजरत क़िबला काबा आपके मुक्तदा और हमारे बड़े गहरे दोस्त हजरत क़िबला अल्लामा साहब भी तशरीफ ले आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हजरतों का, इन हजरात का साया हमारे सरों पे देर तक रखे। अब मैं बजाय तमहीद बांधने के सीधे तकरीर की तरफ आ रहा हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था जनाब वाला क्या बात है कि इमाम हुसैन बढ़ गए और क्या बात है हज़रत यजीद घट गया। बात इतनी है कि मेरा अल्लाह फरमाता है जनाब कुरान शरीफ में यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात, और जनाब अपनी ज़बान में यूँ समझ लो कि अल्लाह हलाल को बढ़ा देता है, अल्लाह हराम को मिटा देता है। ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये फ़लसफ़ा है, ये डॉक्ट्राइन है, ये जनाबे वाला अजीम शान फलसफा है, अजीम शान लॉजिक है कि अल्लाह हलाल को बढ़ा देता, अल्लाह हराम को
तुम्हारी समझ में ये नहीं आ रही तो एक मिनट लगेगा, मैं एक मिसाल दे दूं, एक मिसाल दे दूं ताकि तुम्हारे जहन करीब हो जाए। कुतिया हराम है और बकरी हलाल है। कुतिया हराम है और बकरी हलाल है। कुतिया जनाबे वाला एक बार में कई कई बच्चे उसके होते हैं जनाब वाला, कई कई बच्चे छह छह पिल्ले, आठ आठ पिल्ले, दस दस पिल्ले जनाब वाला, पैदाइश की शरह ज्यादा है। हजरात बकरी के दो बच्चे होते हैं, तीन बच्चे हो गए या एक बच्चा हो गया, हजरात पूरी दुनिया में बकरी एवरी टाइम कट रही है, खूब कट रही है बकरी जनाब वाला। हर वक्त देखो तीजे में कट गई, दसवें में कट गई, बीसवें में कट गई, शादी में कट गई जनाब वाला, बकरा ईद में कट गई, ईद में कट गई, हर वक्त कटी रही है बेचारे, लाखों करोड़ों अरबों कट गई, करबों कट गई, कुतिया एक नहीं कट रही। तवज्जो है, मगर पूरे जसपुर में जनाबे वाला हिसाब लगाओ, कुत्ते कितने, कुतियां कितनी है जनाब वाला। रोडों पे तुम देख लेना, बहुत कम नजर आएंगे। ठाकुर दारे में बहुत कम नजर आएंगे जनाब वाला। काशीपुर में बहुत कम नजर आएंगे। रामनगर मंडी में चले जाओ, बहुत कम नजर आएंगे जनाब। थोड़ा और इधर को चले जाओ, रुद्रपुर में जनाब, बागपुर में, गदरपुर में, जब कहीं भी ढूंढ लो जाके, मुरादाबाद में, दिल्ली में, कलकत्ता, मद्रास में, कुत्ते कुतियाँ नजर ही नहीं आते, पता नहीं किधर चले जाते हैं जनाब वाला। मगर बकरियां जनाब रोजाना कट रही हैं, यहाँ भी कट रही हैं, बाहर भी कट रही हैं, हर वक्त दिबा होती हैं जनाब वाला। और हजरात पैदाइश की शरह भी कम है, मगर आज तक मैंने किसी अखबार में नहीं पढ़ा है कि बकरियों में शॉर्टेज पड़ गई, बकरियों में कमी पड़ गई, अब बकरी दिखाई नहीं देगी। एक बकरी अब 20,000 की मिला करेगी, एक बकरी अब जनाब 50,000 की मिला करेगी। हजरात हड़ताल में तो बकरे ईद को देख रहे हैं, रोज खुशामद लोग खुशामद करते हैं। ये बिजनेसमैन जनाब वाला बकरी की रस्सी हाथों में थमा थमा के कहते 5,000 की ले जाओ, 6,000 की ले जाओ, 10,000 की ले जाओ जनाब वाला। लो ले तो जाओ, खाली तो कर दो पैसे जनाब। मैं पूछना चाहता हूँ, बकरियां जनाबे वाला इतनी दिबा हो रही हैं, कुतिया और कुत्ता दिबा नहीं होता, कुत्ता कुतिया को कोई नहीं खाता, बकरियां जनाबे वाला लाखों करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में, मिलियनों बिलियनों में कटती है पूरी दुनिया के पर्दे पे। मगर क्या बात है, शॉर्टेज है तो कुत्ते में है, शॉर्टेज है तो कुतिया में है, मगर शॉर्टेज बकरी में नहीं, बकरे में नहीं, भेड़ में नहीं, दुम्बे में नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि बकरी हलाल है, कुतिया हराम है। फलसफाए कुदरत है, अल्लाह हलाल को बढ़ा देता। तुम्हें एहसास भी नहीं होता, मेरा हुसैन और हुसैन की नस्ल पूरी दुनिया में इसलिए बढ़ गई, चारों तरफ हुसैन की नस्ल मौजूद है। जसपुर से लेके, जसपुर से लेके बासपुर तक, बासपुर से लेके मुरादाबाद तक, मुरादाबाद से लेके हैदराबाद तक, इंडिया से लेके अब तक सारी दुनिया में। जिधर जाओगे गली गली नगर नगर, तुम्हें जनाबे वाला कोई ना कोई हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। वजह क्या है? वजह यह है कि करबला के मैदान में मेरा हुसैन हलाल की अलामत है। क्या बात है, जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से, अरे हलाल की अलामत है मेरा हुसैन। और रही बात यदीद की, वो बदकारी का मुजस्समा, वो हराम खोरी और हराम कारी का पैकर, वो जनाबे वाला यदीद हुआ, वो यदीद का दस्तरखान की अड्डिया काने वाला कोई भी कुत्ता हुआ, शिमर हो या हरमला, उबैदुल्ला बिन जियाद हो, चाहे जो भी कुत्ता हो, ये हर कुत्ता हराम की हराम का प्रतीक, हराम की अलामत, कानून खुदा है, हलाल बढ़ता है, हराम मिट जाता है। हजरत मोहतरम, बस यही फलसफा है कि पूरी दुनिया के पर्दे पे जगह जगह हो, बेशक सुभान अल्लाह, हर घर में हो, सुभान अल्लाह, कहते रहो सुभान अल्लाह। मैंने नारे लगाने को इसी को मना किया, तुमको मना नहीं किया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे वंशिया, उलमाए सुन्नत, जिक्र शहीद आजम, नारे हैदरी।
12:50 हो रहे हैं, जसपुर में तुम चराग लिए बैठे हो जनाब, मुरादाबाद में वो लिए बैठे, कलकत्ता में वो लिए बैठे, मद्रास में वो लिए बैठे, बिहार में जनाब वाला चराग जल गया, झारखंड में जल गया, इधर आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक में जल गया, ईस्ट टू वेस्ट कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ, पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर पूरी दुनिया में, जंगलों में, मंगलों में, बयाबानों में, सहराओं में, दरियाओं में, चारों तरफ चराग जल गया मेरे हुसैन की मोहब्बत। बोलो, हर जगह लोग बैठे हैं, अरे तुम तो रात के 12:50 पे बैठे हो, हुसैन का आशिक 2 बजे रात को, 3 बजे रात को, 4 बजे रात को, खुदा की कसम 2-2 बजे, 4-4 बजे यहाँ नहीं, जंगलों मंगलों बयाबानों में हुसैन आदम को याद करता हुआ बैठा होगा। जानते हो पूरी दुनिया के पर्दे पर ये रात के 2-2 बजे लाखों करोड़ों लोगों का हुसैन की मोहब्बत का चराग लेके बैठना किस बात की अलामत है? ये दलील है इस बात की कि खास रहमतों के साए में अगर कोई है तो वो करवला का हुसैन है। यजीद नहीं, सर वाले नहीं, दिल वाले हैं वो जो अल्लाह की इज्जत वाले हैं। दुनिया की झूठी जमहूरियतों में और तुम्हारे लोकतंत्रों में सरों की गिनती होती है, अल्लाह के यहाँ सरों की नहीं, अल्लाह के यहाँ दिलों के वजन तोले जाते हैं, जिसका दिल भारी होता है। बेशक सुभान अल्लाह। देखो जी, अभी बात दो ही हुई है मगर 50 मिनट पूरे हो गए जनाब, 40 मिनट पूरे हो गए, मगर फिर भी मैं 5 मिनट ज्यादा ले लूंगा जबरदस्ती, इतना हक तो मुझ पे मेरा बनता ही है, 5 मिनट और ले लूंगा मैं जनाबे वाला, इतना हक तो है ही। हजरत, मैंने जनाबे वाला 2 बातें बयान की, एक बात और बताऊं। आज चारों तरफ मेरा हुसैन छाया हुआ है, सुभान अल्लाह, हर घर 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 में घर घर हुसैन, नगर नगर हुसैन, डगर डगर हुसैन, हर जिगर में हुसैन, हर नजर में हुसैन, हर सर में हुसैन, हर दर में हुसैन, हर घर में हुसैन, रहमत खुदा का हिस्सा तो देखो, चारों तरफ छाया हुआ है मेरा हुसैन, घर घर हुसैन, नगर नगर हुसैन है, डगर डगर हुसैन है, जनाबे वाला हर घर में हुसैन, हर दर में हुसैन, हर जिगर में हुसैन, हर सर में हुसैन, बल्कि ये कह लो घर घर हुसैन, घर घर हुसैन, दर दर हुसैन, घर घर हुसैन, हर हर हुसैन, घर घर हुसैन, हर हर हुसैन, घर घर हुसैन, फारूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे, छा गए मेरे हुसैन दुनिया के पर्दे पे, जनाबे वाला बुरा किया इन जालिमों ने, कलेमा पढ़ के जनाबे वाला वो सितम ढाए, वो सितम ढाए के कलेजा मुंह को आता है हजरत। हालांकि आज के बेईमान भी हुसैन से बहुत मोहब्बत करते हैं, शर्म है तूफ है उन कलमा पढ़ने वालों पे जो करबला में हुसैन आदम का मुका हुसैन आदम पर तीर चलाते रहे, तलवारें उठाते रहे, वो जिन्होंने मटर भूनती रेत पे तड़पाया है मुस्तफा के बेटों को, शर्म है उन कलमा पढ़ने वाले बेईमानों पर। हजरत मोहतरम, गांधी जी जैसा कलमा ना पढ़ने वाला हमारा यहाँ भारत, जिसे नेशन जिसे कहते हैं फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता जिन्हें कहा जाता है राष्ट्रपिता, गांधी जी कलमा नहीं पढ़ा है, मगर खुदा की कसम ये आप गूगल पे आप देख सकते हो, वो कहते हैं आई लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री वाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कलमा नहीं पढ़ा है मगर हुसैन आदम से वफा तो देखो, हुसैन का इश्क तो देखो, हुसैन से मोहब्बत तो देखो, रियलिटी और फैक्ट से प्यार तो देखो। कहते हैं आई लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री वाइल बीइंग ऑप्रेस्ड, मैंने हुसैन से सीखा है। जरा जोर से, सुभान अल्लाह, सीख रहे हैं हुसैन से, तुमने भी कुछ सीखा है हुसैन से? हुसैन से सीखो जनाबे वाला, सबक हासिल करो अपने हुसैन से, जनाबे वाला अपने हुसैन से सबक हासिल करो। वो कहते हैं मैंने हुसैन से ये सीखा है, आई लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड, मैंने इमाम हुसैन से ये सीखा है कि मजलूमियत के हाल में भी लड़ाई जीती जा सकती है, मजलूमियत के हाल में भी लड़ाई जीती जा
सकती है। जैसे करबला वाले हुसैन मजलूम हैं मगर लड़ाई जीत गए, करबला वाले मजलूम हैं मगर लड़ाई जीत गए, और लड़ाई जीतने की यही दलील है कि आज पूरी दुनिया के पर्दे पे चारों तरफ हुसैन हुसैन नजर आता है, जिक्र हुसैन नजर आता है, कत्ले हुसैन असल में मर गए। देखिए खड़े हो गए, इस्तकबाल कीजिए, खड़े हो जाएं सब लोग, खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब सुल्ला बलियावी, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब सुल्ला बलियावी, पासवाने मसलके आला हजरत, हजरत गाजी मिल्लत, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब सुल्ला बलियावी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब सुल्ला बलियावी। तशरीफ रखें, हजरत आ चुके हैं, हजरत का तहे दिल से इस्तकबाल। अल्हम्दुलिल्लाह अहल सुन्नत का शेर हमारे स्टेज पर बिफ़ज़लिही ताला जलवगर हो चुके हैं। आलिम अजल शेर अहल सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम, मुफक्किर दीनो मिल्लत, गाजी दौरा, क़िबला व काबा, अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी दामज़िल्लोल आली, जिनको हक हासिल है वाकई खिताब करने का, जो जो फितरी तौर पर खतीब हैं, जिन्हें जनाबे वाला खतीब फितरत कहिए, खतीब इनकलाब कहिए, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी अल्हम्दुलिल्लाह किसी मामूली स्पीकर खतीब का नाम नहीं है, गैर मामूली सलाहियतों के मालिक आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे जलवगर हैं। मुबारकबाद देता हूँ कमेटी वालों को, जिन कमेटी वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जसपुर के इन इन बसीरत और बसारत वालों के लिए गुलाम रसूल बलियावी जैसे स्पीकर का इंतखाब किया, और मुबारकबाद देता हूँ कि क़िबला ने हज़ार मसरूफियतों के बावजूद आपके लिए टाइम निकाला। मैं जानता हूँ दकीका दकीका लम्हा लम्हा हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी का बिजी है, बहुत ज़्यादा मसरूफ हैं, बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, एक काम थोड़ी है, सियासी समाजी माशी तकाफी हर मैदान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रहनुमाई है, रहनुमाई फरमाते हैं हर, और जनाबे वाला हमारी मिल्लत के नुमाइंदे हैं बेफज़लिही ताला हर और फिक्रों को रोशन करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इधर बहुत बड़े बड़े तालीमी इदारों की सरपरस्तियाँ करने वाले इदारे शरिया पटना जैसी के इदारे की सरपरस्ती फरमाने वाले क़िबला हर मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह जिनका हिस्सा है, ऐसी शख्सियत का मालिक आज स्टेज पे खुशी है तशरीफ लाए, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको अता किया, मुबारकबाद हजरत का साया अल्लाह ताला हमारे सरों पे देर तक रखे। अब जनाब, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत एहतराम करता हूँ, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने छोटों को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, इसलिए अब मेरी जिम्मेदारी है कि बात को आगे ना बढ़ाऊँ। क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, बात को यहीं पर तमाम कर देता हूँ, और बात को ख़त्म करते हुए कह के आता हूँ, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जोर से सुभान अल्लाह तो कहना यार, तकरीर आप सुनोगे जो वाकई तकरीर होगी, खिताब उसे कहते हैं जो ये करेंगे, अल कौल मा कालत हदामी बात वो है जो ये कहने, वाह 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 सुभान अल्लाह। पूरी तकरीर में कहीं कोई सब कतल लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अकुलु कौली हाजा वास्तगफिरुल्लाह ली व लकुम, मैं भी पढ़ लूँ आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफते जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद बरेलवी फरमाते हैं, मादूम न था साया शाह सकलैन, मादूम न था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवगाह थी ज़ाते हसनैन, फितरत ने इस नूर के दो हिस्से किए, आधे से बने हसन आधे से हुसैन। वाखरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम।